How to fix internet speed problem in any Samsung M series. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम को कैसे फिक्स्ड किया जा सकती है। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट स्पीड में प्रॉब्लम है, इंटरनेट बिल्कुल सही से आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है, आपके एरिया में इंटरनेट का बिल्कुल प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देखें कैसे स्पीड को थोड़ा सा भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम दोस्तों कई बार जो है टेक्निकल इशू की वजह से आते हैं, ठीक है, उनके टेक्निकल इशू की वजह से आते हैं, क्योंकि उनका सर्विस ठीक नहीं होने की वजह से भी आते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन जब वो टेक्निकली प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं तो इंटरनेट स्पीड आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत दिन से प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, इंटरनेट को रिफ़्रेश करना चाहिए अपने मोबाइल पे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप कनेक्शंस पे जाइए, उसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल नेटवर्क को ओपन कीजिए, यहाँ पे नेटवर्क को स्विच कीजिए, 3G पर कनेक्ट करके देखिए। अगर 3G अच्छे से चल रहा है तो 3G यूज़ कीजिए, अगर 3G 4G से भी बुरा आ रहा है तो 4G पर दोबारा से कनेक्ट कीजिए, नेटवर्क भी स्विच हो जाएगा। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम पर जाइए, APN पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें, रिसेट पर क्लिक करते हुए दोस्तों आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, इससे आपका APN सेटिंग रिसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर को स्विच कीजिए, यहाँ पे अपना सिम को पहले सेलेक्ट कीजिए नीचे पर, और उसके बाद इस बटन को अगर आप ऑफ़ करेंगे तो आपको मैनुअल नेटवर्क शो हो जाएगा। आपके सिम के हिसाब से कौन सा नेटवर्क अभी आ रहा है, 4G 3G 2G वो आपको शो करेगा। जियो है तो जियो का नेटवर्क शो करेगा, एयरटेल है तो एयरटेल का नेटवर्क शो करेगा, 4G 3G 2G जो भी अवेलेबल है उस पर कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। बाद में आप उसको स्विच भी कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल नेटवर्क पहले से यूज़ करें तो बटन को बंद करके ऑटोमेटिक यूज़ कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पहला सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के जनरल मैनेजमेंट पर स्क्रॉल डाउन करें, रिसेट पर जाइए, और उसके बाद आपको रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करते हुए अपना सिम सेलेक्ट करना है, रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर देना है और रिसेट नेटवर्क सेटिंग कर देना है। उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करें और रीचेक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। चाहे तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के फ़्लाइट मोड को भी ऑन कर सकते हैं। फ़्लाइट मोड को दोस्तों अगर आप ऑन करते हैं तब भी नेटवर्क रिफ़्रेश ही होने वाला है, ठीक है, लेकिन फ़्लाइट मोड जब भी आप ऑन करते हैं तो करीब 1 मिनट आपको वेट करना होता है, उसके बाद आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क्स को। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा। और दोस्तों इससे अगर काम बन जाता है ठीक है, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मोबाइल को एक बार मोबाइल के अंदर से सिम को एक बार जो है इजेक्ट कीजिए, ठीक है, यानी कि सिम को जो है बाहर पे निकाल लीजिए इजेक्टर की मदद से, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आप भर दीजिए अपने सिम को, अच्छे से प्लेस करके सिम स्लॉट में। तो इजेक्ट और इंसर्ट का प्रोसेस आपको करना है, अगर आपको पता नहीं कैसे करते तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, हाउ टू इजेक्ट एंड इंसर्ट सिम कार्ड, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मोबाइल को सेफ मोड पे एक बार रिबूट करके देखिए। कैसे करना है, पावर बटन पे क्लिक करके रखना है, उसके बाद पावर ऑफ दिखाई देगा आपको, तो पावर ऑफ के बटन पे भी आपको टैप एंड होल्ड करना है, उसके बाद ग्रीन बटन आपको मिल जाएगा, तो ग्रीन बटन पे क्लिक करते ही आपके जो मोबाइल है वो सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा। उसके बाद चेक कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। बाय एनी चांस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो सेटिंग पर जाए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, किसी भी वाईफाई के मदद से सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले, और सॉफ्टवेयर अपडेट रहने से मोबाइल के नेटवर्क स्पीड बना रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपके एरिया में काफ़ी नेटवर्क ख़राब आ रहा है तो आप नेटवर्क ऑपरेटर को कॉन्टेक्ट करके उनको APN सेटिंग आप पूछिए, आपके एरिया कोड के हिसाब से वो आपको APN सेटिंग भेज देगा, ठीक है, या फिर आप उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व होगा आपका इंटरनेट स्पीड
प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।